हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ विद आईएएस में। और दोस्तों, आज की वीडियो उत्तर प्रदेश के कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। एक बड़ी यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है फीस को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को विदाउट एग्ज़ाम के प्रमोट कर दिया है। इसी बीच एक स्टेट यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट आ रही कि प्रमोट होने से पहले सभी स्टूडेंट्स को अपनी जो बकाया फीस है वो सबमिट करना होगी। सो फ्रेंड्स, क्या पूरी न्यूज़ चली जानते यहाँ पर विस्तार से देखते हैं आज की न्यूज। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, आज की जो न्यूज है ये AKTU के स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, प्रोन्नति से पहले देनी होगी बकाया फीस। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज आपको समय पर मिलती रहे। AKTU के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाना है। आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये जानकारी न्यूज़ के माध्यम से आई है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश के तकनीकी संस्थानों से बीटेक कर रहे लगभग 70% छात्रों ने फीस जमा नहीं की है। जी हाँ दोस्तों, इन छात्रों को प्रोन्नति हेतु अर्ह होने के लिए पहले बकाया फीस देनी होगी। जो स्टूडेंट्स भी AKTU से एफिलेटेड कॉलेजेस से कोई कोर्स करना है वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। शासन से दिशा निर्देश जारी होने के बाद AKTU सोमवार तक प्रोन्नति व परीक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी कर देगा। AKTU की प्रमोशन से संबंधित जो गाइडलाइंस है वो सोमवार तक जारी हो सकती है। इसके साथ ही प्रदेश के 750 से ज़्यादा तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले VTech समेत अन्य कोर्सों के प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के करीब 1.5 लाख छात्रों को प्रोन्नति का लाभ दिया जाना। यहाँ इस न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मिल रही कि AKTU के स्टूडेंट्स को भी प्रमोट किया जाना है। इसके साथ ही आपको यहाँ और भी जानकारी मिलती होगी, प्रोन्नति की गाइडलाइन के साथ AKTU छात्रों को नोटिस जारी करेगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर राजीव कुमार के मुताबिक छात्रों को प्रोन्नति के लिए अपना नोटिस प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। इसके साथ ही एक और बड़ी यूनिवर्सिटी की अपडेट आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये भी यहाँ पर लखनऊ से ही है, लखनऊ यूनिवर्सिटी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें। उधर लखनऊ विश्वविद्यालय में भी छात्रों से बकाया फीस लेकर ही उन्हें प्रोन्नत किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको आपकी जो बकाया फीस है वो सबमिट करना होगी, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाएगा। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय में फीस ना जमा करने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह से जुड़ी और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।